दोस्तों, एक बात तो सच है कि प्रकृति के कण कण में खूबसूरती बसी हुई है। तभी तो यहाँ आपको ऐसी हैरान करने वाली चीजें देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद कई बार तो अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता कि इस तरह की नायाब चीजें भी हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। अब जैसे आप आसमान में उड़ने वाले इन पंछियों को ही ले लीजिए, जिसमें से कुछ को देखकर तो आप डर जाएंगे, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आप इनकी खूबसूरती के दीवाने हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सुंदर पक्षी दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा होगा। गोल्डन फिजेंट। आइए दोस्तों, हमारी लिस्ट के सबसे पहली पक्षी पर नजर डालते हैं, क्योंकि गोल्डन फिजेंट नाम का यह पक्षी दुनिया के खूबसूरत पक्षियों में से एक है, जिसकी बनावट किसी का भी मन मोह लेगी। इस पक्षी के सुनहरे और लाल रंग के वजह से इसे गोल्डन फिजेंट नाम दिया गया है। जहाँ इस पक्षी को देखकर लगता है कि बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से इसे बनाया होगा, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके शरीर पर मौजूद हल्के हल्के रंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी आर्टिस्ट ने अपनी सबसे बेहतरीन आर्ट बनाई हो। क्योंकि इनके सिर पर ताज की तरह सजे ये गोल्डन बॉल इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, वैसे तो 550 ग्राम के ये पक्षी आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वाकई में इसे देखना है तो पहाड़ी और जंगली इलाकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इनकी अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है। किलबिल्ड टॉकन। अब आप अपनी नजर इस रंग बिरंगे पक्षी पर डालिए, क्योंकि किलबिल्ड टॉकन के साथ साथ सल्फर ब्रेस्टेड टॉकन और रेनबो बिल्ड टॉकन के नाम से फेमस ये पक्षी सेंट्रल अमेरिका के देश बिलाइस का नेशनल बर्ड है, जो आपको साउथ मेक्सिको से लेकर कोलंबिया के ट्रॉपिकल जंगलों में बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसकी आंखों के आसपास और गर्दन के हिस्से का रंग पीला होता है, जबकि शरीर के ज्यादातर हिस्से का रंग काला होता है और इसके पंजे का कुछ कुछ रंग नीला होता है। इस पक्षी की लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, 400 ग्राम के वजन वाले ये पक्षी काफी लंबी और आकर्षक चोंच वाले होते हैं, जहाँ इन्हें अधिकतर लोग तो इन्हें चोंच की वजह से ही जानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अकेली चोंच में ही आपको हरा, नीला, ऑरेंज और मैंजेंटा कलर देखने को मिल जाएगा। वैसे इसकी चोंच इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इसकी चोंच के मुकाबले इसका शरीर काफी छोटा है। यही वजह है कि लोगों की नजर में इसकी चोंच कुछ ज्यादा ही गहराई से आ जाती है। ये लंबी चोंच वाले पक्षी अपनी चोंच का इस्तेमाल अंडे, कीड़े और छिपकली वगैरह को मारकर खाने के लिए करते हैं। स्कारलेट मकाओ। दोस्तों, जब बात सुंदर पक्षियों की आती है तो बेशक उसमें तोते का नाम भी आता है, लेकिन तोते की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से स्कारलेट मकाओ नाम की ये प्रजाति कुछ ज्यादा ही सुंदर है। लाल, पीले और नीले रंग के अनोखे कॉम्बिनेशन वाले ये तोते आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। और इतने प्यारे से दिखने वाले इस तोते को कई सारे लोग अपने घरों में भी पालते हैं। हम आपको बता दें कि एक एडल्ट स्कारलेट का वजन 1 किलो से 2 किलो के बीच में होता है और इनकी लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। वैसे दोस्तों, इस पक्षी के उड़ने की क्षमता भी काफी कमाल की होती है, क्योंकि ये अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब आसमान में ये पक्षी उड़ता है तो ऐसा लगता है मानो हवा में छोटे साइज का इंद्रधनुष लहराता हुआ जा रहा है। दोस्तों, इस पक्षी का रंग तो अनोखा है ही, पर इसके पंखों का डिजाइन भी काफी हैरान करने वाला है। तभी तो जो कोई भी इंसान इस पक्षी को एक बार देखता है वो कुछ पल के लिए इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। हालांकि हर तोते की तरह इस पक्षी की चोंच भी काफी मजबूत और घुमावदार होती है और इनकी आंखों के आसपास सफेद रंग होता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आती है। अटलांटिक पफिन। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में पाए जाने वाले इस पक्षी की सुंदरता को देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है अटलांटिक पफिन, जिसकी बनावट का तो क्या ही कहना है। वैसे दोस्तों, इस पक्षी को समुद्री तोता भी कहा जाता है, जहाँ इसकी रंग बिरंगी और प्यारी सी दिखने वाली चोंच के साथ पेंगुइन की तरह बॉडी का कलर इन्हें एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। ये सी बर्ड पानी के ऊपर और नीचे अपने पंखों की मदद से बड़े आसानी से तैर सकते हैं और इन्हें तैरने में इनके पंजे भी काफी मदद करते हैं। यही कारण है कि ये बर्ड्स पानी के अंदर 60 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पक्षी 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। वुड डक। अब दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस शानदार बर्ड को भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो डक वैसे भी काफी प्यारे पक्षी होते हैं, लेकिन इस वुड डक की बात ही निराली है। दोस्तों, इस अनोखी दिखने वाली डक को कैरोलिना डक के नाम से भी जाना जाता है। 450 ग्राम तक के वजन वाली ये डक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों के दलदली इलाकों में रहती है, जहाँ इस बर्ड को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने अपनी पेंटिंग में रंग भरे हों, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डक पूरा का पूरा मल्टी कलर की है। वैसे इनकी खूबसूरती के अलावा
अलावा भी इसकी कई खासियत है। जहाँ ये पानी में तो रहती ही हैं, उसके अलावा ये पेड़ों पर सुरंग बनाकर भी बड़े आराम से रह सकती हैं। लेकिन ऐसा ये केवल जरूरत पड़ने पर ही करती है, क्योंकि इन्हें पानी में रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात ये है कि एक सर्टेन हैबिटेट में रहने की वजह से इनकी जनसंख्या काफी कम होती जा रही है। ब्लू जे। दोस्तों, जिस पक्षी को आप अभी देख रहे हैं, ये दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। आमतौर पर सेंट्रल और ईस्टर्न अमेरिका में पाए जाने वाले ये पक्षी सुंदर तो दिखते ही हैं, लेकिन इनमें एक और खास बात होती है, और वो ये है कि ये बाज की आवाज नकल कर सकते हैं। अपनी इसी कला की वजह से ये अपने दुश्मन और शिकारी पक्षियों से बच जाते हैं। दोस्तों, 9 से 12 इंच तक लंबे ये पक्षी इसलिए इतने खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनकी छोटी सी चोंच और आंखों की बनावट के साथ साथ सिर पर उगे बाल इन्हें अलग ही लुक देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके आंखों पर नजर डालेंगे तो उसका कलर और डिजाइन आपको और ज्यादा आकर्षक करेगा। इस पक्षी के नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पहचान पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हयाकिंथ मकाओ। अब आप एक और खूबसूरत तोता देखिए, क्योंकि तोते की यह अनोखी प्रजाति सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और नीले रंग के इस तोते को ब्लू मकाओ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बाकी तोते के मुकाबले ये तोता 1 मीटर तक लंबा होता है, और इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल भी 50 सालों तक चलता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ना केवल इसका रूप खूबसूरत है, बल्कि इसकी बोली भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। 1 से 2 किलो तक के ये तोते सबसे ज्यादा तब आकर्षक लगते हैं जब आप इनकी आंखों और चोंच के नीचे पाए जाने वाले पीले रंग को देखते हैं, क्योंकि ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन इन पक्षियों के ऊपर बहुत खास लगता है। वैसे दोस्तों, अगर इन्हें अच्छे से रखा जाए तो ये पालतू पक्षी भी बन जाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग। दोस्तों, खूबसूरती के मामले में ये छोटा सा पक्षी भी किसी से कम नहीं है। बाकी के पक्षी आपको अच्छे लगे या न लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बोहेमियन वैक्सविंग नाम का ये पक्षी आपको जरूर बेहतरीन लगा होगा। अब भले ही आपको देखने में ये साधारण सा पक्षी लगे, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस छोटी सी चिड़िया के सिर पर ताज की तरह आकृति बनी होती है, जिसका रंग काफी ज्यादा अनोखा है, और इन पक्षियों के पंख भी काफी कलरफुल होते हैं। लेकिन जब बात इनकी चोंच की आती है तो छोटे से आकार की इनकी चोंच इनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली ये बर्ड्स काफी सुरीली होती है, इसलिए इन्हें सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पीकॉक। दोस्तों, खूबसूरत पक्षियों की बात हो और मोर का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक आपने बहुत से खूबसूरत पक्षियों को देखा, लेकिन हमारे लिए सबसे खूबसूरत पक्षी मोर ही है, जो हमारे भारत का राष्ट्र पक्षी भी है। अपने नीले शरीर और आकर्षक पंखों के कारण ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, इनकी सुंदरता और स्वभाव के कारण इन्हें शांति, प्यार और किस्मत का प्रतीक माना जाता है, तभी तो लोग मोर के पंख को अपने पास रखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो ये भी माना जाता है कि मोर बहुत ही खास होता है, जिसे अगर किसी काम से पहले देख लिया जाए तो वो काम अवश्य पूरा होता है। खैर, ये तो मान्यताएं हैं, आपके मानने या ना मानने पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब बात खूबसूरती की हो तो वाकई में ये पक्षी अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत पक्षी। आपको इनमें से सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को 1 लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।